हाय फ्रेंड्स, मैं प्रभासिनी आप सभी को स्वागत करती हूँ मेरी किचन पे। आज हम बनाएंगे दही बड़ा। दही बड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम उड़द दाल को 2 घंटे से पहले भिगो के रखा था। 2 घंटे के बाद देखिए उड़द दाल भी हमारी अच्छी तरीके से फूल चुकी है। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। इसको हम गाढ़ा सा ग्राइंड करेंगे। इसमें इसको ग्राइंड करते समय थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर इसको ग्राइंड करेंगे। उड़द दाल को मैंने अच्छे से साफ करके इसको ग्राइंड कर दिया है। देखिए इतना गाढ़ा सा ग्राइंड करना है। अब हम इसमें डालेंगे सूजी, 3 से 4 चम्मच सूजी। स्वाद के अनुसार नमक, कड़ी पत्ता, एक हरी मिर्च को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। और 1/2 चम्मच जीरा डालकर इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसको हम 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह तरीके से मिला रहे हैं। इसी प्रोसेस में हमें लगातार इस तरह से चलाते रहना है। चार से पांच मिनट तक इसी प्रोसेस में मिलाने से उड़द दाल हमारी, देखिए बैटर हमारी बहुत ही फ्लफी बन चुका है। अब हम अगले प्रोसेस में चलते हैं। बड़े को तलने के लिए मैंने यहाँ पर ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है और एक बर्तन में 2 ग्लास पानी लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, डालकर इसे रख देंगे। ऑयल हमारी अच्छी तरीके से गर्म हो चुकी है। अब हम वड़ा बनाएंगे। वड़ा बनाने के लिए पहले हम हाथों को थोड़ा सा इस तरह से पानी लगा लेंगे, उसके बाद हम उड़द दाल के इस तरह से छोटा सा लोई लेंगे और इसके अंदर से इस तरह से होल बना लेंगे। अब हम इसको ऑयल में डालेंगे। इसी प्रोसेस में हमें बड़ा बनाना है। मैंने यहाँ पर गैस कुकिंग को लो कर दिया है। बड़े को डालने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे थोड़ा सा पलट लेंगे। इस तरह से पलट पलट कर इसे तलना है। अब हम इसको दूसरी तरफ पलट लेते हैं।
इस तरह से हमें पलट पलट कर इसे तलना है। देखिए बड़े का कलर थोड़ा थोड़ा का चेंज हो रहा है, अब बड़ा भी हमारी अच्छी तरीके से पक चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब हम इसमें और बड़ा बनाएंगे। अब हम इसको थोड़ा सा पलट लेंगे। बड़े हमारी बन चुकी है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। सारे बड़े बन जाने के बाद हम जो नमक के पानी रखे थे उसमें हम सारे बड़े को डाल देंगे। डालकर 4 से 5 मिनट तक इसे भिगो के रखेंगे। अब हम दही बनाने की प्रोसेस में चलते हैं। दही के तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पर गैस के ऊपर पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच सरसों, 2 से 3 लाल मिर्च, 1/4 कड़ी पत्ता, 1/2 ग्लास पानी। और पानी को हमें अच्छी तरीके से ठंडा कर लेना है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हम अच्छे तरीके से ठंडे होने के लिए छोड़ देंगे। मैंने यहाँ पर 1 कटोरी दही लिया है। अब हम इसमें तड़के की पानी को डाल देंगे। तड़के की पानी को अच्छे तरीके से ठंडे होने के बाद ही डालें। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच शुगर, 1/4 चाट मसाला पाउडर, 1/4 स्वाद के अनुसार नमक, 1/2 चम्मच काला नमक और 1 चम्मच भुने हुए जीरा और लाल मिर्च का पाउडर डालकर इसे हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे।
पानी को अच्छी तरीके से मिक्स हो जाने के बाद अब हम इसमें बड़े को डालेंगे। बड़े को हम इस तरह से निचोड़ लेंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे। बड़े को दही में डालने के बाद इसे हम एक घंटे के लिए रख देंगे, उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। ये हमारी दही बड़े बनकर रेडी है। अगर आप सबको आज का रेसिपी अच्छा लगा है तो मेरी रेसिपी को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।